हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मीना जोशी ब्लॉग खम्मा गणी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऋषि पंचमी के बारे में। ऋषि पंचमी आती है भाद्रपद पक्ष के शुक्ल पक्ष में पाचम को, जो गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन मनाई जाती है। इस दिन कुछ नहीं खा अनाज के दाने कुछ नहीं खाया जाता है। ऋषि पंचमी इसलिए मनाई जाती है कि स्त्री मासिक धर्म में आने के बाद में अगर गलती से भी कोई भूल हुई हो तो ये व्रत करने से माफ हो सकता है। माँ गणेशा, आज मैं हूँ नौरी। आपने ऋषि भगवान री कौन है? ऋषि भगवान री ऋषि पंचमी की कहानी। एक बार एक ब्राह्मण था गांव में फरता था। फरता उन्होंने पेटन इसे देखी कि ऋषि भगवान बैठा है, तो वो जाए ने उन्होंने पूछे कि आप अटे क्यों विराजमान हो। तो ऋषि भगवान क्यों है कि मैं 12 महीना में 131 खानों खो, आज ऋषि पंचमी दान तो कोई न्योतो दे तो मनो ब्राह्मण क्यों है कि मारा घर चालो जिम लो। तो वो ऋषि भगवान क्यों है कि यू नहीं जिमो मोने अबोर्ट में खानो सहजे शुद्ध सहजे यू व्यू कोई वहनो नहीं सहजे, नहीं तो एक वक्त में भूखा मरिया तो पाचा 12 महीना मोने भूखो रहना पड़ेला। ब्राह्मण क्यों है कि मैं आप जिकन सहजे विकन बनावे ने दौला। तो ब्राह्मण ऋषि भगवान क्या है कि अपनी पत्नी ने पहला पूछे ना वो। तो ब्राह्मण अपनी पत्नी ने पूछवा गया है कि 4-5 ऋषि भगवान है जो जिम्मन ने अपना था घर आएला तो तू शुद्ध बनावजे ने अबोट में खाना बनावजे। तो ब्राह्मण ने पत्नी क्यों है ठीक है सा, तो अन्नवती वो ऋषि भगवान ने पास कहवा गया है कि हाँ ठीक है चलो मारा घर जिम्मन ने। तो वो केवा गया जत्र ऋषि ब्राह्मण ने पत्नी घर में हैं धोया है रसोई वसोई ने रसोई चालू की दी है खीर चढ़ाई है ने वह मासिक धर्म में वही पी है। हमें वहाँ कौन करे आजू बाजू घर वालों ने पूछी हो है कि मैं मासिक धर्म में आई पी हूँ ने मैंने ऋषि भगवान ने खाना बनावनो है वे लोग अबोट में खाई ला। तो कह के 108 बार ना ले कोई कह के पानी छिटक ले कोई कह का कोई कर ले। तो वनों क्यों है कि शानी ले ने माता ऊपर रखे ने पानी ढोर पो 108 बार नानो वही पला। तो वह बाथरूम में जाए ने चांदनी रखे ने 108 बार पानी ढोए है तो 108 बार नामनो वह पो, वरना वती वापसी रसोई बनावा डुके है हैंग रसोई तैयार वे पास ऋषि भगवान ने नियोतो दे है। ऋषि महाराज हैंग आवे है जिम्मन ने जीव जिम्मा बैठे एक निवालो ले तो बाल आवे है दूसरों निवालो दे तो कचरो आवे है। ऋषि भगवान के कुछ न कुछ तो है ही है कि केवा रसोई अबोट में नहीं मरनी है। तो क्यों है कि कॉइन जो भी है कॉप मोने के मो आज जिमिया जो 12 महीना पास भूखा रोला। तो वह क्यों है कि मैं मासिक धर्म में हुई पीती ने मैं रसोई वन ही पी है। तो वे वनों ने श्राप दे है कि तू तो वनीला गली में घूमती कुतरी ने आदमी ने कहे तू वनीला बरद जो गौनी में पीसी जिला यू कैन ऋषि भगवान ज्ञापा है वे ब्राह्मण ब्राह्मणी घनी रो बरद बनियो है ने ब्राह्मणी गली री फरती कुत्री बनी है यू करे ने पैसा वना सोरा सोरी मोटा हुआ है वनारो श्राद्ध आवे है वे श्राद्ध करे है। श्राद्ध करता करता बेटा ने बेटी बेटा वो श्राद्ध करे है श्राद्ध करे तो कह मारा माँ बाप है। तो वह घरे जाने कह है कि आज तू जन कुत्री ने मारी थी वह मारी माँ है ने वो गौनी रो बरद है वो मारो बाप है। तो वे ऋषि भगवान ने जाए ने पूछे है कि यू किकन हुआ है। तो वनो क्यों है कि थारा माँ बाप मोने ऋषि पंचमी ने जिम्मन ने बुलाया था ने वो थारी माँ मासिक धर्म में आवे रसोई बना खवाड़ी तो मैं 12 महीना भूखा रहना पड़ा वनो श्राप है। तो क्या हमें वो श्राप किकन छुट्टो वेला तो कह जा पासा सही सलामत सही कर धरा जिम्मारो पासा अबोट में जिम्मारो बनाव ऋषि भगवान ने जिम्मार खुश कर ने ओ जल ले ने पैसे छिटक जे पो कुतरा कुतरी माते ने घनीरा बरत माते तो उन्होंने मोक्ष प्राप्त हुई। वो बेटो पासो घरे आयो है घरे आवे ने रसोई वसोई बनाई है ऋषि भगवान ने जिमारिया है ने ऋषि भगवान जिमे करे ने गया है ने वो पौनी है जो कुतरी माते छोटियो है ने बैल माते छोटियो है तो वनारे मोक्ष प्राप्त हुई पी है। तो भगवान जी वनन मोक्ष प्राप्त करें गणहेंगों ने मोक्ष प्राप्त करें।